अस्सलाम वालेकुम। आज कटिंग और स्टिचिंग कोर्स की तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम आपको मशीन को कंट्रोल करना सिखाएंगे कि किस तरह से हम बासानी मशीन पर ग्रिप अपनी कर सकते हैं, ताकि जब हम कोई भी सूट वगैरह स्टिच करें तो हम उसको आसानी से अपने काम को पाए तकनीक तक पहुंचा सकें। इसके लिए सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक बासानी पहुंच सकें। और अगर आप हम फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो कीजिए और हमारी पोस्ट को शेयर और लाइक कीजिए। हम कहीं भी सिलाई या मशीन की कढ़ाई वगैरह सीखने जाएं तो वहां पर सबसे पहले मशीन पर कंट्रोल सिखाया जाता है, और उसके लिए सबसे जो आसान होता है वो इस तरह से तरीका होता है कि आप एक पैटर्न रेडी कीजिए जिसमें आप पहले स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसी के बाद कर्व की, राउंड शेप में, जिगजैग शेप में आप मशीन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपकी जितनी अच्छी ग्रिप आप इसके ऊपर कर सकते होंगे उतना ही आप काम भी आसान करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताना कि आप मशीन, चाहे आपकी डोमेस्टिक हो, इंडस्ट्रियल हो, जो आपके पास मशीन है अवेलेबल है, हाथ की मशीन है, आप उसके ऊपर बासानी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इसका आपको मशीन के बारे में सारी मालूमात हो और फिर आप इसका काम स्टार्ट करें। तो जब आपने पैटर्न पर ये चीज़ करनी है तो आप बॉबिन अंदर से इसका रिमूव कर दीजिएगा, बॉबिन और बॉबिन केस इसका रिमूव कर दीजिएगा। और फिर हमने अभी इसमें थ्रेडिंग नहीं की है क्योंकि हम सिर्फ पेपर पर वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आप फर्स्ट टाइम अगर बैठे हैं तो पहले तो आपने प्रैक्टिस सिर्फ ये करनी है कि जो मशीन है आप इसको स्टार्ट करेंगे तो बहुत स्लो स्टार्ट लेना है। जब हम मशीन के ऊपर स्टार्ट अपना लेते हैं तो बिगनर्स के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप मशीन को ही कंट्रोल करें। तो उसके लिए चाहे आपकी हाथ की मशीन है तो ज़ाहिर है आप हाथ से इसको मूव करेंगे, और अगर आप पैर से करते हैं या हाथ से पैडल को प्रेस करते हैं तो आपकी उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। इस तरह बिल्कुल स्लो 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 चलानी है। फिर आपने इस तरह से स्पीड देकर इसको चलाना है, और आखिर में पेपर रख के भी यहाँ पे हम बिल्कुल स्लो स्लो चलाएंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप अपनी स्पीड बढ़ाते जाएं। इसी तरह से आपने पहले एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इस तरह से मुख्तलिफ लाइंस ड्रॉ करके आपने करना है। फिर उसके बाद आपने स्ट्रेट लाइन चला के देखनी है कि आपको यहाँ पर कितना आप में परफेक्शन आई है आपके काम में। फिर उसके बाद आप बाकी के जो कर्व्स हैं या जिगजैग है और शेप्स हैं आप उस चीज़ के ऊपर आइएगा। तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप कर्व के ऊपर आइएगा, फिर आप जिगजैग पर आइएगा। चाहे हो सकता है आप अगर ग्रिप कर सकते हैं और कर सकते हैं तो आपको एक से दो दिन में आप परफेक्शन आपके काम में आ जाए, हो सकता है आपको इससे ज्यादा दिन भी लगे। तो जब तक आपकी परफेक्शन नहीं आए आप प्रैक्टिस इसकी जारी रखिएगा। अच्छा, जब आप जिगजैग पर आएंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सीधी लाइन ड्रॉ की है, इसके ऊपर आपने स्टिच किया है, और फिर सुई को जो है इसका कॉर्नर बनेगा इसके अंदर अंदर की तरफ दाखिल कर देना है। फिर आपने अपने पेपर को इस तरह से इसको मूव करके स्ट्रेट इसका साइड देना है। मशीन रोकते हुए कभी भी एकदम से डायरेक्ट आपने व्हील को होल्ड नहीं करना है, अपने हाथ को व्हील पे रखेंगे आराम से तो उसकी स्पीड खुद ही कम हो जाती है।
यह हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। सर्किल की प्रैक्टिस करनी है तो हमेशा सबसे पहले बड़े सर्किल की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बड़ा सर्किल आसान होता है। जितना छोटा स्पेस होगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि छोटे को मूव करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पहले आप बड़े सर्किल की कीजिएगा, फिर उसके बाद आप छोटे की तरफ आइएगा। और इसको चलाते हुए दोनों हाथों से इसको हैंडल करना है हल्का हल्का सा, जहाँ हमें ज़रूरत होगी वहाँ फुट को भी ऊपर की तरफ करके इसकी सेटिंग करेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आपको कहीं अगर जरूरत पेश आती है कि आपको फुट उठाना है, तो सुई हमारी अंदर की साइड होनी चाहिए। उससे होता है कि हमारा जो कपड़ा है या अभी हम पेपर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपनी जगह ग्रिप किए रहता है। और ये कॉर्नर बनाने का रूल भी होता है कि अंदर सुई होगी उतने ही काम में फिनिशिंग आएगी। थैंक यू सो मच। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है अपने पैटर्न रेडी करके, और आप हम अपने काम को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे भी और हमारे कमेंट बॉक्स में भी। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी तुरपाई से रिलेटेड होगी, तो आप उसके लिए भी हमारे साथ रहिएगा। और हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।